Very good point. Now, Rajeev Shukla, only 5 minutes. तो उनका आठ मिनट हमें पांच मिनट नो नो आठ मिनट उनका टाइम है नो नो थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर फाइव मिनट्स में काम हो जाएगा चेयरमैन तो बहस ही लग जाएगी ओनली फाइव नरेश जी ने जो ये मुद्दा उठाया है अपने अल्पकाल चर्चा के दौरान ये मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है देखिए सिर्फ दिल्ली का प्रदूषण नहीं है अगर आपने देखा हो लखनऊ वर्स्ट दिल्ली से बुरा लखनऊ का हाल था कानपुर का बुरा हाल था पटना का बुरा हाल था ये पूरे उत्तर भारत की समस्या बन गया इसलिए सिर्फ ये दिल्ली का प्रदूषण नहीं रह गया और कारण आज तक किसी को पता नहीं पहले बताया गया कि पराली कारण थे अब पराली इधर तो नहीं है फिर क्यों पोल्यूशन है वो तो जलना बंद हो गया तो ये समझ में किसी को अभी तक नहीं आ पाया है कि वायु प्रदूषण क्या है क्यों है इसका मेरे ख्याल से मंत्री जी को इस पर जवाब देना चाहिए इससे दुनिया भर में बदनामी है और उसका सबसे बड़ा नुकसान टूरिज्म का है हम अरबों डॉलर जो है नुकसान हो रहा है टूरिज्म का क्योंकि एडवाइजरी इशू हो जाती है कि आपको इंडिया नहीं जाना है वहाँ पे बहुत पोल्यूशन है दिल्ली में तो इसलिए जो है उससे हमारा बहुत नुकसान दूसरी तरह से होता है बहुत से लोग नहीं आते एयरलाइंस का नुकसान तमाम ट्रेड कमर्शियल उसका सबका नुकसान होता है इसलिए बड़ा चिंता का विषय है एम्बेसडर्स की उसमें जाइए मिलिए किस तरह की आलोचना करते तो ये जो है हाल है इसके लिए हमें बहुत आपात स्थिति वाले जो है कदम उठाने चाहिए और उसके लिए मेरे ख्याल से जो है सबसे बड़ी चार पांच सुझाव मैं मंत्री जी को देना चाहता हूँ यहाँ पे वित्त मंत्री जी नहीं है मुझे लगता है कि सब जगह अगर इन सारे शहरों में तो डिप्टी चेयरमैन सर सबसे जो है जो ये व्हीकल है ना पोल्यूशन ऑफ व्हीकल्स ये हर जगह है क्योंकि जिस आदमी घर पे एक कार होती था चार कार हो गई जिस लड़के की तनख्वाह 30,000 होती है EMI दे के कार खरीद लेता अब ना कोई पहले जो हम लोग स्कूटर मोटरसाइकिल पे चलते थे स्कूटर मोटरसाइकिल मतलब टू व्हीलर्स पे कोई चलता ही नहीं डायरेक्ट कार पे तो इतनी कारों का पोल्यूशन है और उससे हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ता चला जा रहा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का तो सिंगापुर में जब इस तरह का पोल्यूशन हुआ था और जो ये ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम होती थी तो उन्होंने वहाँ पे कारों के दाम खासतौर से बड़ी कारों के दाम बहुत बढ़ाए थे तो वित्त मंत्री को मेरा सुझाव है कि आप छोटे व्हीकल्स को तो प्रायोरिटी दें और उनको कंसेशन दें लेकिन जो कारों के दाम है बड़ी बड़ी कारों उनके दाम में कम से कम 20 गुना इजाफा करना चाहिए तब लोग मानेंगे अगर एक कार 50 लाख से ऊपर की मिलेगी तब जाके लोग जो है कि चलना शुरू करेगा वो पैसा जो इससे जनरेट हो वो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगाइए उसको जो है अच्छी अच्छी बसें हैं यहाँ पे अच्छी अच्छी ये ट्रेन लोकल ट्रेन का मेट्रो ट्रेन के उस पैसे को उधर डाइवर्ट करिए तो जो है ये कारों पे टैक्स जो है कई गुना बढ़ाया जाना चाहिए दूसरा ये जो इन्होंने ट्रकों की आवाजाही है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था जिसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि सिर्फ वही ट्रक आ पाएंगे जो दिल्ली में सिर्फ माल लाते बाकी जो दो वो पासेस थ्रू दिल्ली दो ट्रक वो पास थ्रू दिल्ली दे शुड नॉट बी अलाउड उनके लिए बाहर का रूट देना चाहिए पहले कुछ दिन चला फिर उधर से जाने लगे जब देखो सारे ट्रक दिल्ली से रात में हजारों ट्रक दिल्ली होके जाता सारा पोल्यूशन छोड़ के जाता तो ट्रकों का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड तीसरी चीज जो है ये पर्ली वाला जो सुझाव दिया था मुझे पता है कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने मुझे भी इसमें बताया था ब्रीफ किया था सरकार को मुश्किल से 1600 करोड़ का खर्चा आता है इतना तो हमारे उससे दुगना तो टूरिज्म पर नुकसान हो जाता है 1600 करोड़ अगर वहाँ का कॉम्पनसेशन पंजाब हरियाणा के किसानों को मिल जाए तो ये पर्ली की समस्या खत्म हो जाए वहाँ पर जो 100 इंडेक्स जो है जिसकी वजह से यहाँ दिल्ली में आता है वो तुरंत कम हो जाएगा तो 1600 करोड़ देने में कोई हर्ज नहीं है अगर उसमें केंद्र सरकार मदद करे उन्होंने मना कर दिया था जो पंजाब चीफ मिनिस्टर का प्रपोजल था तो उससे आपकी ये पराली की समस्या भी हल हो जाती है और किसानों की मदद भी हो जाती तो इस पर भी विचार किया जाए चौथा ये कि स्वच्छ भारत मिशन जो है उसका पैसा बहुत इकट्ठा होता है समोसा खाने जाओ चाय पीने जाओ रेस्टोरेंट जाओ सब जगह स्वच्छ भारत शुल्क लगता जाता है लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है पता नहीं स्वच्छ भारत का पैसा कहाँ लग रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है तो उस पैसे को डाइवर्ट करके इन सब चीज़ों पे लगाया जाए सीवेज प्लांट के लिए है डस्टबिन पे ग्रीन ब्रिगेड ये सब बनाई जाए और नदियों के साफ करने पर और वो जगह जगह जो सफाई की जाए वो दिखाया जाए इसलिए उस पर अभी तो पता चला कि उसका 25% पैसे का पता नहीं कि कहाँ चला गया जो मीडिया कमेंट ले रहा तो स्वच्छ भारत वाले पे पांचवी चीज जो है कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ये बड़ी चीज हो रही है कि गांव के लोग शहरों में आ रहे शहरों का वो बढ़ता चला जा रहा है इतनी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है कि उसकी वजह से फिर ये स्वाभाविक है कि पोल्यूशन हो तो उसके लिए एक ही तरीका है कि या तो एक्सपेंड करिए जैसे बॉम्बे तो एक्सपेंड नहीं हो सकता दिल्ली सेटेलाइट टाउन्स में नए ऑफिस खोलने की इजाजत ही मत दीजिए दिल्ली में वो जाके खोले ग्रेटर नोएडा में वो जाके खोले गुड़गांव के आगे वो जाके खोले फरीदाबाद के आगे वहाँ पे
तो ये एक्सपेंड कर दीजिए तो उससे क्या पॉपुलेशन जब स्प्रेड हो जाएगी तो उससे जो एक जो कंसंट्रेशन हो रहा था सब शहरों में, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे कानपुर, चाहे पटना हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, वो थोड़ा सा एक्सपेंड होगा और उससे जो है लोगों को आसानी रहेगी। तो नए ऑफिस खोलने की इजाज़त नहीं चाहिए, गाँव में सुविधाएँ बढ़ानी चाहिए। जैसे पंजाब में क्या आराम है कि गाँव का आदमी, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति होते थे, उनका कभी चंडीगढ़ में मकान ही नहीं रहा। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, उनके पास जाता था जनरल, उनका जी जरूरत क्या बेटे, जब गांव में सड़क है, गांव में बिजली आ रही, गांव में टीवी देख लेते हैं, गांव में कूलर भी घर में लगा, एसी भी लगा, तो मैं शहर में जाके क्यों रहूं। ये सुविधाएं बाकी जगह नहीं है, यूपी बिहार मध्य प्रदेश के गाँव में, कि एसी भी गाँव में चल रहा हो, टीवी भी गाँव में देख रहे हो, सड़क सब चीज़ सुविधा गाँव में। तो ये अगर गाँव में हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दें तो गाँव से शहरों का पलायन बंद हो जाए और लोगों को वहीं इन सब चीज़ों से रोजगार की सुविधाएं बढ़ जाएंगी। तो गाँव के विकास से भी, इसे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी, ये बड़ा लार्ज स्केल 1970 में प्लानिंग कमीशन में इंदिरा जी का नोट है कि इस पर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव होना चाहिए एनवायरनमेंट पर। तो अगर वो जो है आप उसको पूरे सब कई, सिर्फ जो है हर्षवर्धन जी की मिनिस्ट्री का मामला नहीं है, सब तरह से मिलके करें तभी ये काम हो सकता। अगर आप इस भरोसे में कि एनजीटी कर देगा, तो एनजीटी तो आज की तारीख में पुलिस इंस्पेक्टर है, दे आर ओनली प्लेइंग द रोल ऑफ पुलिसिंग द एनवायरनमेंट, नथिंग एल्स। इसलिए जो है उनका इस रोक दो वो रोक दो, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। देयर हैज टू बी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव एज सजेस्टेड बाई मिसेस गांधी 1970 टू प्लानिंग कमीशन। तो मुझे लगता है इसमें बना के कई मंत्रालयों को करके ये जो 5-6 मैंने सुझाव दिए, अगर उन पर अमल किया जाए तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण की समस्या से मुकाबला कर सकेंगे। धन्यवाद, मेरा भाषण बिल्कुल जो आपने टाइम दिया तो उसी में समाप्त हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। विजय साई रेड्डी।